ये सब आपने किया? कब कैसे हमें तो पता ही नहीं चला। भाभी देव भाई का प्लान था, आपको कैसे पता चलता? और ये ड्रेस पोर्ट्रेट हमने लिखी थी जानबूझ के मीनाक्षी मामी की तरफ से, ताकि आपको शक ना हो। और हमें लगा कि आप हमारा बर्थडे भूल गए। आपसे वादा जो किया था ऐसे कैसे भूल जाता। आपको मालूम नहीं आपने हमें कितनी ज्यादा खुशी दी है आज। आप अपने सारे वादे हमेशा ऐसे निभाते रहेंगे ना? हैप्पी बर्थडे कृषा। हैप्पी बर्थडे। हम क्या यही खड़े रहेंगे? बच्चों ने इतने सारे और सरप्राइजेस प्लान किए हैं, चलिए ना। आइए कृष्ण। ध्यान से लाइट डिम कर दे। कृष्ण अब अपने गिफ्ट्स खोलो। हमें ना पहले कभी भी इतने सारे गिफ्ट्स नहीं मिले। हमारे बर्थडे में तो एक छोटा सा केक काटते थे बस। कृष्णा अब आप राठौड़ खानदान की बहू हैं, हमारे यहाँ कुछ भी छोटा नहीं होता। चलिए गिफ्ट्स खोलिए। एक मिनट भाभी, हमने बहुत मेहनत की है इसमें, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। इसमें नाम नहीं लिखेंगे कि किसने कौन सा गिफ्ट दिया, तो आपको बताना है कि किसने कौन सा गिफ्ट दिया। मेरा ये गिफ्ट तो तुम्हें जिंदगी भर याद रहने वाला है कृषा। जयलक्ष्मी ने हमारा पुश्तैनी हार इस कृषा को दे दिया। वाह, नेक्स्ट। मीनाक्षी चाची। परफेक्ट गेस। हमारे लिए वो स्नो ग्लोब लेके आए ना, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, और अगर उसको हिलाए तो ऐसे बर्फ गिरने लगती है।
हमारी कही हुई इतनी छोटी सी बात भी देवराज सर को याद थी। थैंक यू। चलो जल्दी से मेरा गिफ्ट खोलो। कम ऑन कृषा, बेकरी टॉप। इतने सारे गिफ्ट से कितना वक्त लग जाएगा? चलो ना कृषा, केक काटते हैं। चलो चलो। अरे ये भी खुल गया। हार्ड डिस्क? क्या पता देव भाई कृष्णा की और पिक्चर्स दिखाना चाहते हो। एग्जैक्टली आ रहा हूं। प्रोजेक्टर से कनेक्ट था। देव, हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं। मैं जानता हूं जी हमा, आप क्या कहना चाहती हैं। यही नाम है कृष्णा के लिए सब क्यों कर रहा हूं। हम आपको दोबारा हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते देव। ऐसा कुछ नहीं होगा जाना। मैं अपने दिल को दिमाग पर आवे नहीं होने दूंगा। आपके दिमाग की ये सोच सुनकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। फिर भी मैं जानता हूं जयामा कि आप और उमा सबसे खुश नहीं है। कृष्णा को हम यहां एक मकसद से लाए, लेकिन वो मासूम है। मैं ना चाहते हो भी हर रोज उनका दिल और भरोसा तोड़ रहा हूं, लेकिन वो जब तक यहाँ है मैं उनके साथ दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहता हूँ, कुछ अच्छी यादें देना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। चलो अब केक काटो। ओम अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी ते क्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शिष्यो शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम जुंगस स्वाहा। ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा। विवाह संपन्न हुआ। देवराज और माया, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं।
आप सब मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ? देखिए हमें ऐसे मजाक ना बिल्कुल पसंद नहीं। देवराज सर ये सब मजाक है ना? हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों देवराज सर? हम आपसे शादी करके अपने आपको दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रहे थे, लेकिन हम तो सबसे बड़े बेवकूफ निकले जो अपनी आंखें मूंद ली और आपकी आंखों से पूरी दुनिया देखने लगे। आपने हमें जो दिखाया आपने देखा, ना कोई सवाल किया ना कुछ पूछा, क्यों देवराज सर? प्लीज एक बार हमारी बात सुने। क्या सुने? क्या सुने? एक और झूठ। शादी करके 7 जन्म निभाने का वादा किया था ना हमने, 7 दिन में कदम लड़खड़ा गए आपके। हम आपको सच बताना चाहते हैं। कब बताने वाले थे सच? जब हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे तब? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बेटी का हाथ मांगने आया। या फिर जब अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई थी तब? या फिर जब हमने आपको बोला था कि हम आपसे प्यार करने लग गए तब? या फिर जब आप हमें छोड़कर भाग रहे थे तब? कब बताने वाले थे सच? आपके पास बहुत सारे मौके थे देवराज सर, लेकिन आपने फिर भी बताना जरूरी नहीं समझा। जय, आपने भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा रहा। नहीं कृष्णा, हम बताने वाले थे, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। जो बात हमें शादी से पहले पता होनी चाहिए थी वो बात बताने का आपको सही वक्त नहीं मिला जयमा। सब कुछ हमारी आंखों के सामने था, सब कुछ। वो लाइब्रेरी में जो हमें फोटो मिली थी वो भी माया जी की थी ना? हमने आपसे उस फोटो के बारे में पूछा भी था, पूछा था या नहीं? फिर भी आपको हमें सच बताने का मौका नहीं मिला। वो किचन में फ्रिज के नीचे पहली रसोई की फोटो, खाली फ्रेम, सब कुछ हमारी आंखों के सामने था। जयमा, माँ, माँ, सब लोग आपको यहाँ माँ बोलते हैं, हमने भी आपको माँ माना, लेकिन आपने हमको अपना नहीं समझा। भाभी, इस वीडियो में वही मंगलसूत्र था ना जो हमारी आंखों के सामने गिरा था? हमने आपसे भी पूछा, आपने भी हमें सच नहीं बताया। अब इतनी पुरानी ज्वेलरी थी, किसको याद रहता है? सच में इस घर का हर नियम, हर कायदा सच में अलग है। प्लीज एक बार हमारी बात सुनिए। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब आपने किया है। और क्या क्या छुपा है, क्या छुपा? देवराज और माया, अब से आप दोनों पति पत्नी। माया, माया, माया।
यही नाम हमारी कलाई में गुदवाना चाहते थे ना। क्या हम अकेले में बात कर सकते? आप ये नाम हमारी कलाई में गुदवाना चाहते थे, हाँ या ना? Just please listen to me once. अब हमारा नाम बदल कर माया रखवाना चाहते थे क्योंकि आप अभी भी उसे याद करते हैं। हमने पूछा कहाँ है माया, बताइए कहाँ है माया, माया। बताइए देवराज सर कहाँ है आपकी माया? कृष्णा बेटा माया जी वापस। आपको जानने माया का माया का तो ठीक है, आइए मेरे साथ। आइए मेरे साथ। आप हमें यहाँ क्यों लेके आए? आपको जानना था ना कि माया कहाँ है? कब कैसे?